हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ब्रिजेश है। वेलकम टू माय चैनल टीम रॉयल्स वेस्टिज। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं वेस्टिज से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीम रॉयल वेस्टिज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्टीज के जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो कैसे कैसे लेने होते हैं, कितनी डोजेज में हमें वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट लेने और क्या टर्म एंड कंडीशन फॉलो होती हैं वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं वेस्टीज से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो चलिए, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हाउ टू टेक द डोजेस ऑफ सप्लीमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, वेस्टिज के जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं उनकी डोजेस हमें कैसे कैसे लेनी होती हैं, तो ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है नोनी, जो कि आपको खाना खाने के पहले आपको एक या दो कैप्सूल दिन में लेने होते हैं। और ऐसे नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है क्रेल ऑयल। क्रेल ऑयल जो है आप दिन में दो या तीन बार ले सकते हैं कि कैप्सूल स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने के बीच में। उसके बाद में एक कैप्सूल आपको डेली अपनी खाने के साथ लेना है। और जो दो कैप्सूल हैं उसे गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है फ्लैक्सीड ऑयल, जो कि खाना खाने के बाद में आपको डेली 2 टाइम्स लेने हैं एक एक कैप्सूल। और ऐसे नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है लार्जिन 9, जिसमें कि एक पैकेट आप 1 गिलास पानी में मिला के सुबह जो खाली पेट होता है उस टाइम आप एक लार्जिन 9 का एक पैकेट 1 गिलास पानी में मिला के आप ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है Q10, कोएंजाइम Q10, जो कि आपको अपने खाना खाने के बाद में डेली 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। तो मतलब कि एक कैप्सूल खाना खाने के बाद और अगेन एक कैप्सूल खाना खाने के बाद आप कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज का कैल्शियम, जो कि खाना खाने के बाद में ही लेना होता है, बट ये दिन में 2 से 4 टैबलेट्स आप ले सकते हैं वेस्टीज कैल्शियम। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है ग्लूकोसामाइन, जो कि खाना खाने के बाद ही आपको 3 टाइम डेली आप एक एक कैप्सूल ले सकते हैं कोएंजाइम, जो कि जॉइंट्स और बोन्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है स्पैरुलिना, जो कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में आप 1 या 2 कैप्सूल वेस्टीज स्पैरुलिना ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एलोवेरा। एलोवेरा जो है खाना खाने के बाद में 1 या 2 कैप्सूल डेली आप ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टिज का आंवला, जो कि खाना खाने के बाद में 1 या 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टिज का कोलेस्ट्रोम, जो कि खाना खाने के बाद में 1 या 2 कैप्सूल आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टिज का गेनोडर्मा, जो कि खाना खाने से पहले या बाद में आप पर डे 1 या 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में वेस्टिज गेनोडर्मा का ले सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टिज का फाइबर, जो कि 1 टेबल स्पून पानी के गिलास में बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले गिलास में जो पानी डालने के बाद में 1 टेबल स्पून आप उसमें मिला सकते हैं, और उसे आप खाना खाने से पहले वेस्टिज का फाइबर ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है वेस्टिज प्रोटीन, जो कि ठंडे पानी में 1 टेबल स्पून मिला के आप वेस्टिज का प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टिज का नीम। जी हाँ दोस्तों, वेस्टिज का नीम जो है ब्लड प्योरिफिकेशन और डिटॉक्सीफाई करता है हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को। और ऐसे ही ये जो वेस्टिज का नीम कैप्सूल है, ये आपको खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले 1 या 2 कैप्सूल पर डे आप ले सकते हैं।
और ऐसे नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज का स्टीविया। जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज का स्टीविया जो कि आप अपने घर में नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं स्टेविया से। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज का ग्लूको हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज का आयुशांति से जो है ग्लूको हेल्थ, जो कि खाना खाने से पहले दिन में 3 टाइम आप ले सकते हैं, 2-2 कैप्सूल। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आयुशांति का ही प्रोकार्ड। जी हाँ दोस्तों, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है आयुशांति का। तो आयुशांति प्रोकार्ड जो है ये आपको खाना खाने के बाद में डेली 2 बार आप 1 या 2 कैप्सूल ले सकते हैं खाना खाने के बाद में वेस्टीज आयुशांति प्रोकार्ड। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आयुशांति का टॉक्स क्लीन। जी हाँ दोस्तों, जो कि खाना खाने के बाद में आप डेली 3 टाइम्स 1-1 कैप्सूल आप अपनी मील में ऐड कर सकते हैं, बट वो हमें खाना खाने के बाद में आयुशांति का टॉक्स क्लीन लेना है। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज से ही आता है ये आयुशांति का विटल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, जो कि खाना खाने से पहले हमें डेली 2 टाइम्स हमें लेना होता है कि कैप्सूल। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आयुशांति का लीवर हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जो कि खाना खाने के बाद में डेली 3 टाइम आप 1-1 कैप्सूल आयुशांति लीवर हेल्थ ले सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आयुशांति का किडनी हेल्थ, जो कि खाना खाने के बाद में ये भी 3 टाइम आप डेली ले सकते हैं कि कैप्सूल आयुशांति किडनी हेल्थ। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज आयुशांति रिस्पो केयर। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छे रिजल्ट आयुशांति रिस्पो केयर के मिल रहे हैं। तो ये आप अपने खाना खाने के बाद में 3 टाइम डेली आप 1-1 कैप्सूल आयुशांति रिस्पो केयर ले सकते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज का फोलिक एंड आयरन कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको दिन में खाना खाने के बाद में 2 टाइम्स लेने हैं, 2-2 कैप्सूल। और ऐसे ही नेक्स्ट आता है वेस्टीज का डिटॉक्स फूड पैचेस, जिसको अप्लाई करने के लिए हमें नाइट में अप्लाई करना होता है, बट जिस दिन आप नाइट में अप्लाई करें तो उस दिन आपको पूरे दिन एक अच्छा वाटर इनटेक लेना है, मतलब कि बहुत सारा पानी पीना है। तो आपका जो वेस्टीज डिटॉक्स फूड पैचेस हैं उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्रोडक्ट की आपको नॉलेज मिली हो कि हमें कैसे कैसे डोजेज लेने हैं वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट के, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हो डायरेक्टली आपको अपने इनबॉक्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे ही मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा, तो आप जैसे जैसे इस वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे तो वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये आपको बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है डोजेस ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट की, कैसे हमें कितनी डोजेस हमें हेल्थ सप्लीमेंट की लेनी है, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपने देखी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वैसे से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।